आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, तो हमसे यही पूछा गया है कि पीएच वैल्यू क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, क्या होनी चाहिए 11.5 या फिर 10.5। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कुछ और नहीं बल्कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, क्योंकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होती है ये क्या होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यही जो है हमारी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है। और ये क्या होती है, ये वाइट वाइट मिल्की कलर की होती है, किस कलर की होती है, वाइट मिल्की कलर की, और क्योंकि ये एक्वस होती है तो बिल्कुल एकदम मिल्क की तरह लगती है, इसीलिए इसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो पीएच वैल्यू की बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ये एक माइल्ड बेस होता है, माइल्ड बेस यानी कि ये काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा बेस होता है, और इसकी पीएच वैल्यू लगभग 10.5 के आसपास होती है। ये क्या है, इसकी पीएच 10.5 के आसपास होती है, और ज़्यादातर जब कभी भी किसी के पेट में एसिडिटी होती है तो दवाइयाँ वो लेते हैं, ज़्यादातर दवाइयों में क्या पड़ा होता है, हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पड़ा होता है। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड, ये एक बहुत ही अच्छा एंटासिड होता है। तो बेसिकली जो हमारा आंसर क्या आता है, आंसर ये आता है कि हमसे ये पूछा गया है कि पीएच वैल्यू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की क्या होनी चाहिए, तो पीएच वैल्यू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10.5 होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर 4, 10.5। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।